गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आप ये देख रहे हैं दुल्हन, तो आप सोच रहे होंगे ये दुल्हन कौन है? तो वो है मेरी नंद, जिसकी शादी में मैं गांव गई हुई थी और ये मैं तैयार हुई हूँ लहंगा डाल के। मैंने सोचा लहंगा डालूँ और ये सारे लोग दुल्हन के साथ मेरी नंद वगैरह हैं, सबकी मैंने क्लिप वगैरह खींची हुई है। और ये वहाँ का जो गाँव का डेकोरेशन है, जो शादी का वेडिंग का, वो मैंने सारा डेकोरेशन लिया हुआ है। लेकिन हाँ, बट ये है कि मैं सारा डेकोरेशन तो नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि कितना भी हो, मतलब ससुराल की कोई मैं बेटी तो हूँ नहीं, बहू हूँ, तो उस हिसाब से फिर भी जितना हो पाया है उतना मैंने डेकोरेशन का मैंने लिया है व्यू, कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और ये है मेरी मम्मी यानी कि सास, और ये है मेरी बीच वाली नंद, और मम्मी बेटू को लेकर के खड़ी हुई हैं। सब लोग द्वार चार का इंतज़ार कर रहे हैं। द्वार चार मतलब जब बारात आती है तो दूल्हे को, मतलब बारात के बाद दूल्हे को लाकर बिठाया जाता है और जो पूजा की जाती है, मतलब पापा और भाई करते हैं, तो वही द्वार चार हो रहा है। और काफ़ी लोग अभी, मतलब बस जयमाल पड़ने वाला है, जयमाल के लिए सब लोग रेडी हो रहे हैं। दुल्हन वैसे तो सब लोग रेडी हो रखे हैं, और ये देखिए बच्चे कैसे घूम रहे हैं। शादी में यही तो फन और मस्ती होती है। और गाइस, आप लोगों को बैकग्राउंड से अगर कोई भी आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर में सब लोग हैं इसलिए। और ये देखिए, ये हुआ है शादी में ये ट्विस्ट, जो किसी को पता नहीं था कि ये देखिए कैसे दून कैमरे से ये जयमाल आया है माला। मतलब गाँव वालों के लिए तो ये बहुत ही अनोखी सी बात है, चंबे वाली बात है, ट्विस्ट है, इसलिए मतलब ये किसी को बताया नहीं गया था, ये मतलब सीक्रेट रखा गया था। तो देख के इसे बहुत अच्छा लगा कि कैसे कैमरा लेकर के जयमाल को आ रहा है और दुल्हन ने पकड़ा उसे, मतलब जयमाल उससे निकाला, और ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था जयमाल, तो ये कैमरामैन ने यहाँ से फ्लावर वगैरह जो लगे हुए थे उसे हटा दिया है। तो बस ये जयमाल पड़ने वाला है। और मैं बहुत सारा लंबा तो क्लिप नहीं बना पाई हूँ शादी का, बट हाँ जितना हो सका है उतना मैंने बनाया है, मतलब उतना शूट किया है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि हाँ गाँव। अब जाहिर सी बात है, गाँव की शादियाँ, मतलब ये जो शादी थी वो गाँव के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड शादी थी, इसीलिए गाँव वालों को इस शादी में बहुत सारे ट्विस्ट नज़र आ रहे थे, कि उनको अलग अलग सा दिखाई दे रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये मतलब ये तो मतलब शहर के लिए तो ये आम बात है कि ये घूमने वाला जो झूला लगा हुआ है इस पे जयमाल होना, ये तो शहरों के लिए आम बात है, बट गांव के लिए आम बात अभी भी नहीं है। गांव के लिए तो ये अचंभे वाली बात होती है। तो बस ये कैमरा ये जयमाल पड़ रहा है, जयमाल हो गया है, जयमाल के बाद बस दूल्हा दुल्हन नीचे चले जाएंगे और स्टेज पे जाके बैठेंगे। तो मैं ज़्यादा स्टेज वगैरह की नहीं ले पाई हूँ क्लिप, बिकॉज बाबू भी मेरे साथ थी तो वो रोने लगती है ना, तो बस उसे भी मुझे, और ये डैडा हैं बेटू के, और बेटू को लेके खड़े हैं सब लोग, यहाँ जयमाल एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना ये दिखाऊं कि हमारे यहाँ कैसे गांव में शादी होती है। तो बस पूरी शादी तो नहीं, बट हाँ जितना जितना दिखा पाए। और गाँव के लिए दूसरा ट्विस्ट ये था कि मतलब अचंभा था कि देखो, मतलब ऐसे डीजे पे मैंने लहंगा उतार करके सूट पहन के बहू डांस कर रही है, तो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा लगता है, बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करना चाहिए। तो बस ये सारे लोग डीजे पे डांस और मस्ती भी कर रहे हैं, और सॉन्ग का मैंने नहीं मतलब डाला है, क्योंकि कॉपीराइट आने का डर होता है, इस वजह से मैंने सॉन्ग नहीं ओपन किया है, बस ऐसे ही डांस और फन मस्ती दिखा दी है आप लोगों को। सो गाइज, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब। और ये देखिए, ये एक और नया ट्विस्ट की दुल्हन आई है, मतलब गांव के हिसाब से दुल्हन आई है डीजे पे डांस करने, और दुल्हन ने काफ़ी हद तक मतलब अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार दिया था, क्योंकि शादी की तैयारी होने वाली थी, लेकिन फिर उसे पकड़ के लाए हैं और उसने डांस किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। गांव भी अब धीरे 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 धीरे, जब हम आप सब लोगों की सोच एक जैसी होगी तभी तो फ्रेंक होगा गांव में भी। और फिर ये फिर से तैयार होकर के आई है मंडप में, और हमारे यहाँ ये चढ़ाव चढ़ता है, मीन्स लड़के वाले जो कपड़े गहने वगैरह सारी चीज़ें सामान लेकर आते हैं, वो दुल्हन मतलब मंडप में कलश को छुआ करके और फिर लड़की को दे दिया जाता है। और ये हम सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारा चढ़ाव देख रहे हैं,
और इतनी अमेजिंग लग रही थी ना, क्योंकि मैं गांव की शादी में पहली बार आई हूँ और मैं कभी नहीं आई थी गांव की शादी में, तो मुझे तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। मतलब मुझे तो और भी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अभी तक क्या है ना, मैं हमेशा घूंघट में रहती थी आई थी, और इस बार बहुत अच्छा लगा, जबकि हम लोग को बहुत ही फ्रेंक रहने को मिला, बहुत फ्रेंकली तरीके से रहने को मिला, और गांव की शादी भी इतनी स्टैंडर्ड हो रही थी, तो मतलब ये चीज़ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये होता है ना कि मतलब गांव में रहने वाले लोग जो हैं अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और बदल रहे हैं, तो ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी होती है कि हाँ, हर जगह की पढ़ाई लिखाई अच्छी है, इसीलिए लोगों का जो है ना सोचने का नज़रिया भी चेंज हो रहा है। और ये जो हम लोगों ने दुल्हन के साथ, मतलब अपने सिस्टर इन लॉ के साथ मैंने जो पिक्स ली हैं, मैंने कहा लाओ आप लोगों को ये भी डाल के दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये कैसा लगा ये मेरा छोटा सा शादी का ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, अच्छे वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का और अपने आसपास सभी का ख्याल रखें, और मिलती हूँ आपसे न्यू विद अ न्यू ब्लॉग, अच्छे वाले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।